नमस्कार, मैं अंकित श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एंका प्रयागराज में चतुर्थ श्रेणी सुशील कुमार पांडे को प्रताड़ित कर आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर अयोध्या के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा एक शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी रामनिक गौतम, जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव अज्जू, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह के संयुक्त नेतृत्व में की गई, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि अधिशासी अभियंता द्वारा सुशील कुमार पांडे को प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन FIR दर्ज कर ली गई और अभी गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं संगठन की ओर से मांग है हत्यारे अधिशासी अभियंता की गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 25 लाख रुपए अधिशासी अभियंता के वेतन से उनके परिवार वालों की मदद की जाए। जिसमें मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष राम नवल यादव, मंडल मंत्री हरि प्रसाद पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष केशव राम यादव, प्रदेश संगठन मंत्री सुग्रीव कुमार, जिला मंत्री अरविंद कुमार सोनकर, जिला कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, मिनिस्टीरियल के जिला मंत्री चंद्रजीत यादव आदि पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जितेश कुमार, राम बच्चन यादव, विजय कुमार पांडे सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। बाइट रामनिक गौतम, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी। बाइट अजय कुमार यादव अज्जू, जिला अध्यक्ष। हमारे प्रयागराज जनपद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुशील कुमार पांडे कार्यरत थे, उनके शासी अभियंता श्री संजीव कुमार जी के द्वारा इतना उत्पीड़न किया गया उनका कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, और आत्महत्या के बाद कर्मचारी संघ के दबाव के कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। लेकिन हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और पीड़ित कर्मचारी को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। रामनेक गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग अयोध्या। आज हमारे यहाँ प्रयागराज में कर्मचारी जिस वहाँ के एक्सीएम ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या की हुई, उसने आत्महत्या की मजबूरी हुई और आशासी अभियंता के ऊपर जो है FIR हुई, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हम संगठन की ओर से हम चाहते हैं जब तक हत्यारे आशासी अभियंता की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, और हमारी मांग है कि 25 लाख रुपए कम से कम एक्सीएन के ही वेतन से, एक्सीएन के तनख्वाह से और उनके खाते से निकाल कर उस कर्मचारी की मदद की जाए। अगर इस हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष की जो दिशा निर्देश है उनका इंतजार कर रहे हैं, और पूरे कर्मचारी संघ में, पूरे जनपद में जो है, पूरे प्रदेश में आक्रोश है, क्योंकि जितने एक्सीएन है, चाहे आप फैजाबाद का ले लीजिए या पूरे प्रदेश का ले लीजिए, वो कर्मचारियों से बेगार कराते हैं, अपने घरों पे घरेलू कार्य कराते हैं, जिससे कर्मचारियों में काफी उत्पीड़न होता है और वो तनाव में रहते हैं। वो अपनी बातें संगठन को नहीं कह पाते क्योंकि वो आवाज से निकल नहीं पाते हैं, और उनकी मजबूरी हम प्रदेश और पूरे देश में यही संदेशा चाहते हैं अपने पूरे प्रांत की सरकार से। हम यही मांग करते हैं कि आशासी अभियंता को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके ही वेतन से 25 लाख रुपए से आर्थिक मदद की जाए उसकी, और जितने पूरे प्रदेश में जो बेकार कराया जा रहा है कर्मचारियों से, उसको तत्काल बंद किया जाए, और नहीं तो पूरे प्रदेश में इसी तरह से आंदोलन हो सकता है। अजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष, कर्मचारी सिंचाई विभाग।